दोस्तों यूं तो आपने जी टीवी पर एक से बढ़कर एक शोज देखे होंगे, पर जिस शो ने दर्शकों का सबसे ज्यादा प्यार पाया है वो सीरियल है कुंडली भाग्य, जिसकी यूनिक एंड इंटरेस्टिंग कहानी के साथ साथ इसे इतना हिट बनाने वाले हैं इसके जबरदस्त कलाकार, जिसमें एक नाम पृथ्वी मल्होत्रा का भी शामिल है, जिन्होंने नेगेटिव किरदार में होने के बावजूद हर किसी से अपने इस किरदार के लिए तारीफ बटोरी है, जिन्हें प्यार से इनके फैंस विलेनरियो कहकर बुलाते हैं। लेकिन आप इस शो में पृथ्वी मल्होत्रा का किरदार निभाने वाले सभी नेता के बारे में तो सब कुछ जानते होंगे, पर क्या आप इनकी रियल लाइफ वाइफ एंड चाइल्ड के बारे में जानते हैं कि वो कौन है, क्या करते हैं और कैसे दिखते हैं? अगर आप इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहें, और साथ ही इस बेहतरीन शो के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पॉपुलर शो कुंडली भाग्य में पृथ्वी मल्होत्रा का किरदार पर्दे पर उतारने वाले अभिनेता का असली नाम संजय गगनानी है, जिनका जन्म 24 सितंबर 1988 को पुणे में हुआ था, इसलिए यही के स्कूल और कॉलेजों से इन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट की है। अगर बात करें इस दमदार अभिनेता की एक्टिंग करियर के बारे में तो इन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 2009 में टीवी पर आए पॉपुलर शो बैरी पिया से किया था, जिसमें इन्होंने सपोर्टिंग रोल में होने के बावजूद काफी सुर्खियां बटोरी थी, और इसी के चलते इन्हें कई दूसरे शोज में भी काम करने के ऑफर आए, जिन्हें अपनाकर इन्होंने कई पॉपुलर शोज में अभिनय किया, जिनमें हमारी देवरानी, कुंडली भाग्य और एनकाउंटर जैसे शो शामिल हैं। इसके अलावा इन्होंने रक्तबीज और हीरोइन फिल्म में अपना अभिनय किया, जो भी आज भी अपने एक्टिंग करियर को बनाए हुए हैं, और जी टीवी के पॉपुलर शो कुंडली भाग्य में पृथ्वी मल्होत्रा का किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर बात करें इस दमदार अभिनेता की रियल लाइफ वाइफ के बारे में तो आपको बता दें, संजय गगनानी की रियल लाइफ वाइफ का नाम है पूनम प्रीत। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, ये वही पूनम प्रीत है जिन्होंने 2016 में आए पॉपुलर सीरियल नामकरण में जूही का किरदार अदा किया था। बात करें दोनों की मुलाकात की तो इन दोनों की मुलाकात साल 2012 में हुई थी, जहाँ पहले ही मुलाकात में ये दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन गए, जिनका दोस्ती का ये रिश्ता आगे चलकर जल्दी प्यार में बदल गया, और लंबे समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने फरवरी 2018 में एक दूसरे से एंगेजमेंट कर हमेशा के लिए एक होने की तरफ कदम बढ़ाया, जहां इस साल की शुरुआत में इन दोनों ने बताया था कि ये दोनों इस साल हमें शादी के बंधन में बनते हुए नजर आने वाले हैं, पर कोरोना वायरस के कारण इन्होंने अपने इस फैसले को कुछ समय के लिए विराम दे दिया है, जो अब हमें साल 2021 में शादी करते हुए नजर आने वाले हैं। और जब इन दोनों की शादी नहीं हुई है तो आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि अभी तक संजय गगनानी का कोई बच्चा नहीं है। तो दोस्तों, आपको अभिनेता संजय गगनानी की वाइफ से मिलकर कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही ऐसी और धमाकेदार खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।